तिगाम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राजेश नागर ने अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत गांव अलीपुर तिल्लौड़ी से की। उन्होंने कई गांवों में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेरे गोत्र के हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं सभी जानते हैं कि उनकी पार्टी का हरियाणा से सफाया हो चुका है। जब पार्टी ही खत्म हो चुकी है तो वो क्या करेंगे, इसलिए अपना कीमती वोट उन्हें देकर खराब ना करें। इस बार कमल का बटन दबाकर मोदी और मनोहर को मजबूत बनाएं। मैं तिगाम विधानसभा को पूरे हरियाणा में नंबर वन बना के दिखाऊंगा। राजेश नागर ने तिगाम विधानसभा क्षेत्र में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा खत्म हो चुकी है। कांग्रेस में लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देने के कुछ फायदा नहीं है। पूरे प्रदेश में कांग्रेसी एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। जिस तरह से लोकसभा में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है, उसी तरह 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। पिछली बार तो तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन मेरे कुछ भाइयों से गलती हो गई थी, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह से साफ है। मनोहर लाल खट्टर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।